हाय फ्रेंड, मैं हूं हृदय फलूंग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एटीट्यूड। फ्रेंड, आज मैं बताऊंगा स्कीपिंग, रस्सी कूदने के फ़ायदे और रस्सी कूदने से हमारे बॉडी के किस किस पार्ट पे इफेक्ट आता है, किस किस पार्ट को अच्छा सेहत मिलता है, फैट कम होता है, उसके बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड, ऐसे ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एटीट्यूड। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जब तक आप फिट हो तब तक सब ठीक है। तो रस्सी कूदना स्कीपिंग के फ़ायदे मैं बताता हूँ आपको। तो पहले पॉइंट पे आते हैं, खेल खेल में कैलोरीज घटाने का आसान तरीका। रस्सी कूदना कोई नई और अजूबी एक्सरसाइज नहीं है, सैकड़ों सालों से बच्चे खेल कूद में इस फिजिकल एक्टिविटी को करते आ रहे हैं। हो सकता है आपको यह बच्चों का खेल ही लगे और आप इसे करने में संकोच भी दिखाएं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसे आप बच्चों का खेल समझ रहे हैं, उस छोटी सी एक्सरसाइज को करके आप सिर्फ 15 मिनट में 300 के लगभग कैलोरीज घटा सकते हैं। अब शायद इस एक्सरसाइज को करने में आपको इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद पॉइंट है, फिटनेस को बनाए रखने और मोटापा घटाने का सबसे आसान तरीका। जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि घर पर रहकर कैसे एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करने के लिए जिम वाले इक्विपमेंट कहाँ से लाएं, या फिर एक्सरसाइज करने के लिए सुबह सुबह कैसे उठें, उन सब के लिए रस्सी कूद एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें उनके सारे बहाने फेल हो जाएंगे। रस्सी कूदने के लिए आपको स्पेशल जगह की ज़रूरत नहीं है। आप कमरे में, छत पर, बरामदे में, चबूतरे पर, पार्क में, कहीं भी रस्सी कूद सकते हैं। रस्सी कूद एक फुल बॉडी वर्कआउट है, इसलिए इसे करने से आपके पूरे शरीर का वजन मेंटेन रहता है। अगर आपके शरीर में चर्बी जमा है तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट भी रोजाना इस एक्सरसाइज के करने के लिए आप समय निकाल ही सकते हो और इससे लगभग 300 कैलोरीज घटा सकते हैं। उसके बाद स्टेमिना बढ़ता है। रस्सी कूदने से आपके शरीर का स्टेमिना बढ़ता है। जो लोग जल्दी थक जाते हैं, जिन्हें दिन भर आलस और लो एनर्जी फील होता है, उनके लिए रोजाना 15 मिनट रस्सी कूदना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। पुरुषों में रस्सी कूदने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ता है, इससे उन्हें यौन जीवन में ढेर सारे लाभ मिलते हैं। उसके बाद आते हैं कि रस्सी कूदने से हमारे बॉडी का कौन कौन सा पार्ट मजबूत होता है या अच्छा शेप आता है, किस किस भाग को फ़ायदा मिलता है, उस पे आते हैं। तो उसमें है, पहला है हार्ट। रस्सी कूदना एक तरह की कार्डियो एक्सरसाइज है, इसलिए ये हार्ट हृदय के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद है फेफड़े। रस्सी कूदते समय आप ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हो और छोड़ते हो, जिससे फेफड़ों सहित पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है, इसलिए रस्सी कूदने से आपके फेफड़े शक्तिशाली होते हैं। उसके बाद है पेट। रस्सी कूदने पर सबसे ज़्यादा फायदा आपके अपर बॉडी के पेट वाले भाग पे पड़ता है, इसलिए इससे आपके पेट और कमर के हिस्से में जमा चर्बी कम होती है। उसके बाद है घुटने, नी। रस्सी कूदते समय आपके शरीर का ज़्यादातर वजन आपके घुटनों को संभालना पड़ता है, इसलिए इस एक्सरसाइज से आपके घुटने स्ट्रांग भी होते हैं और आपके थाइस के मसल्स डेवलप होते हैं। उसके बाद है पैर के पंजे, एंकल्स। रस्सी कूदते समय सारा कमाल आपके पंजों का है। पंजे ही गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ बल लगाकर हवा में शरीर को ले जाते हैं और फिर जमीन पर लाकर टिकाने का काम करते हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा आपके पंजे ही मजबूत होते हैं। उसके बाद है हड्डियाँ, बोन्स। रस्सी कूदने से आपकी हड्डियों की सघनता, बोन डेंसिटी बढ़ती है, इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी और आसान एक्सरसाइज है। उसके बाद है बाजू, आर्म्स। रस्सी कूदने के दौरान आप बार बार अपने हाथों को ऊपर ले जाते हैं और फिर नीचे ले आते हैं, इससे आपके हाथों और बाजुओं की अच्छी वर्जिश हो जाती है, इसलिए हाथों में जमा चर्बी भी तेज़ी से कम होती है। उसके बाद है मस्तिष्क। रस्सी कूदना सिर्फ शरीर नहीं, आपके दिमाग के लिए भी फायदेमंद है, और एक रिसर्च के अनुसार रस्सी कूदने से आपके मस्तिष्क का कॉन्सेप्टिव फंक्शन बेहतर होता है और आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड, ऐसे ही स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज और फिटनेस जैसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एटीट्यूड। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।